Hello friends, welcome to PK Tutorial. We are going to start our new series Basic English Concept. हम हमारी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Basic English Concepts. हम ये सीरीज उन लोगों के लिए ले रहे हैं जिन्हें इंग्लिश समझने में बहुत ही दिक्कतें आती है और बहुत ही यहाँ पे छोटी छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कवर करेंगे जिससे आपको हर जगह इंग्लिश समझने में, पढ़ने में और बोलने में आसानी होगी. ये सीरीज सभी लोगों को बेनिफिशियल रहेगी, सभी लोगों के काम की रहेगी, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कवर करना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोगों को इंग्लिश बोलने में अपनी इंग्लिश को और भी सुधारना है उनके लिए भी. सो टुडेज बेसिक कॉन्सेप्ट इज WH क्वेश्चंस. आइए देखते हैं WH क्वेश्चंस क्या है. यहां पे फर्स्ट है व्हाट. व्हाट का अर्थ होता है क्या, और ये किसी चीज के बारे में पूछने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल हम कई बार कहते हैं हिंदी में तुम्हारे पास क्या है, अगर हाथ में कुछ है फिर भी कहेंगे, पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है. तो हम आप पूछिए व्हाट डू यू हैव, या हम पूछते हैं क्या हुआ, मतलब व्हाट हैपन. तो आपको समझ आ रहा होगा व्हाट का जो अर्थ है वो क्या है और हम उसे यूज कैसे करते हैं. तो आपको अगर हिंदी में जैसे हम क्या का प्रयोग करते हैं वैसे ही आप इंग्लिश में व्हाट का यूज कीजिए. नेक्स्ट देखते हैं वेयर. यहां पे WHERE है, एक वेयर होता है जिसमें यच का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जिसमें होता है यच का प्रयोग ये प्लेस के लिए यूज किया जाता है, किसी प्लेस के बारे में पूछने के लिए. तो यहां फॉर एग्जाम्पल आप कहां गए थे, अगर आपको यह पूछना है वर यू वेंट, मतलब आप कहां गए थे, तो यहां पे वेयर जो है हमने प्लेस के बारे में यूज किया है. नेक्स्ट वेन. वेन का मतलब होता है कब. हिंदी में हम जो कब यूज करते हैं बात में, ठीक है, कब क्या हुआ, ठीक है, वो कब गया, ठीक है, या तो फिर वो कब आया, तो आप वेन का यूज कब ये वर्ड जो है इसके लिए कीजिए. तो हम ये कब जो है ये हमें टाइम के बारे में बताता है, जो हम हिंदी में यूज करते हैं तो ये हमें टाइम के बारे में बताएगा, तो आप वेन यूज कीजिए. फोर्थ कौन, मतलब किसी पर्सन के बारे में. यहां पे आप देख रहे होगे पिक्चर्स में आपको समझ आ रहा होगा फर्स्ट जो था व्हाट उसके लिए हमने ये चीजें यहां पे दिखाई है, वेयर मतलब किसी प्लेस तो यहाँ पे प्लेसेस दिखाए गए हैं, वेन मतलब कब तो हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम भी दिखाया गया है, और कौन मतलब किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं. तो इस पिक्चर में आप देख रहे होगे यहाँ पे पर्सन बताया है, मतलब कौन आया था, ठीक है. हम ऐसे हिंदी में पूछते तो आप कौन की जगह हु का प्रयोग कर सकते हैं. फिफ्थ क्यों, तो इसके लिए हम इंग्लिश में शब्द है व्हाई, क्यों के लिए व्हाई यूज होता है इंग्लिश में बोलने के लिए. तो ये जो है हम रीजन पूछते हैं, कोई कारण पूछने के लिए हम हिंदी में क्यों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही आप क्यों की जगह व्हाई का यूज कीजिए. नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, मतलब विच. तो विच ये जो शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है कौन सा, मतलब हम कहते हैं ना आपने कौन सा मोबाइल खरीदा, या तो फिर आपके पास कौन सा मोबाइल है, विच मोबाइल डू यू हैव, तो ये चॉइस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है. सेवेंथ हुज. हुज मतलब किसका, मतलब अगर मैंने कौन सा पूछने की जगह अगर मुझे ये पूछना है कि ये मोबाइल किसका है, तो मैं हुज का प्रयोग करूंगा किसका इस वर्ड के लिए. जो हिंदी में वर्ड है किसका उसी का इंग्लिश में हुज कहा जाता है. टू आस्क अबाउट ओनरशिप, मतलब ये किसी की ओनरशिप या तो फिर किसी का खुद का सामान हो सकता है, उसके लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं. एट कैसे, कैसे मतलब इंग्लिश में होता है हाउ, हाउ होता है, कैसे मतलब हाउ. टू आस्क अबाउट मैनर, कंडीशन और क्वालिटी. नाइन्थ कितना दूर, मतलब हाउ फार, हम कहते हैं ना वो कितना दूर गया, तो यहां पे डिस्टेंस की बात होती है, ठीक है. तो अगर आपको कितना दूर की जगह आपको इंग्लिश में
वर्ड चाहिए तो आप हाउ फार का प्रयोग कीजिए। टेंथ, हाउ लॉन्ग, इसका अर्थ होता है कितना लंबा या कितनी देर। यहां पर लेंथ, टाइम एंड स्पेस की बात हो रही है, इसीलिए आपको अगर यह कहना है कि कितना लंबा अंतर है तो आप यहां पे हाउ लॉन्ग डिस्टेंस कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 11। यहां पर हाउ मेनी का प्रयोग कैसे करना है वो बताया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कितने, तो यहां पर हाउ मेनी है और नीचे हाउ मच है। पहले इसमें फर्क क्या है ये देखते हैं। हाउ मेनी ये जो है ये क्वांटिटी बताता है और ये काउंटेबल मतलब आप गिन सकते हो। तो जो चीज आप गिन सकते हो उसके बारे में आपको अगर प्रश्न पूछना है तो आप हाउ मेनी का प्रयोग कीजिए, और जो चीजें आप पूछ नहीं सकते क्वांटिटी में मतलब कितने हैं तो आप वो अनकाउंटेबल में आता है, तो आप वहां पर हाउ मच का प्रयोग कीजिए। अगर हाउ मेनी का प्रयोग करना है तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो हाउ मेनी शॉप्स डू यू हैव और हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितनी दुकानें हैं या तो फिर कितने मोबाइल है। अगर मुझे कहना है तो मैं हाउ मेनी का प्रयोग करूंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसी कोई चीज पूछनी है जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता मतलब जिसे मैं गिन नहीं सकता हूं, उसके लिए मैं हाउ मच का प्रयोग करूंगा और इसका अर्थ होता है कितना। ठीक है, 13 जो है वो है हाउ ओल्ड, इसका मतलब होता है कितना पुराना। तो इसका अर्थ एज जानने के लिए होता है, मतलब किसी चीज की उम्र या पीरियड या तो फिर काल जानने के लिए यूज होता है हाउ ओल्ड। तो हम ये पूछ सकते हैं हाउ यू ओल्ड योर बाइक इज, मतलब तुम्हारी बाइक जो है वो कितनी पुरानी है। तो यहां पे कितना पुराना के लिए हम हाउ ओल्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स से ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगी कि वॉट का और इन बाकी सारी चीजों का यूज कैसे करना है। फर्स्ट है व्हाट इज योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तो हम क्या के लिए व्हाट, मैंने जो बताया था आपको वो करना है, तो क्या के लिए हमने व्हाट यूज किया है, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट है व्हाट मतलब क्या, हम बहुत सी बार सवाल करते हैं आई कांट हियर यू, मतलब मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं फिर से बोलिए। तो हम आपको कहना है व्हाट आई कांट। नेक्स्ट थर्ड, वेयर डू दे लिव, मतलब वेयर यहां पे प्लेस की बात हो रही है, वो कहां रहते हैं, इसका अर्थ होता है वो कहां रहते हैं, तो आप प्लेस के लिए वेयर का यूज कीजिए। आफ्टर दैट वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहां जा रहे हो। तो हम किसी जगह पे जा अगर आप जा रहे हो तो आप कहिए वेयर आर यू गोइंग। आफ्टर दैट फिफ्थ देखते हैं, वेन डिड शी लिव, मतलब वो यहां से कब गई, वेन मतलब कब, टाइम की बात होती है तो टाइम के लिए हमने वेन का यूज देखा था। आफ्टर दैट सिक्स्थ, वेन विल यू कम, मतलब तुम कब आओगे, यहां पे भी टाइम पूछ रहे हैं हम किस समय आओगे, तो हमने यहां पे वेन का यूज किया है। सेवेंथ है हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, हु आर यू का अर्थ होता है तुम कौन हो, तो यहां पे हु मतलब कौन। एट हु ओपन द विंडो, मतलब विंडो किसने खुली की है या तो फिर किसने ओपन की है। नाइन्थ व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई डू यू से दैट, तुमने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, या तो फिर। टेंथ देखते हैं व्हाई आर यू आस्किंग मी, मतलब तुम ऐसा मुझे क्यों पूछ रहे। इलेवेंथ विच कलर डू यू लाइक, विच मतलब कौन सा, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है या तो फिर तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। ट्वेल्थ विच वन इज रियल, कौन सा सही है, ठीक है, मतलब बहुत सी बार बोलते पूछते हैं हम क्या गलत है क्या सही है, तो आप पूछिए विच वन इज रियल। नेक्स्ट हुज टर्न इज इट, मतलब किसका, हुज मतलब किसका, किसकी बारी है, टर्न मतलब किसकी बारी है। नेक्स्ट हुज मोबाइल इज दिस, किसका ये किसका मोबाइल है, तो इज दिस कहा गया है मतलब हम किसी पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट हाउ वॉज यूर एग्जाम, हाउ मतलब कैसा, तुम्हारा एग्जाम कैसा था। हाउ डज दिस वर्क, ये कैसा काम करता है। 17th हाउ फार इज श्रीनगर फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, मतलब हाउ फार मतलब कितना लंबा या कितना
दूर, डिस्टेंस की बात होती है। तो यहां पर जो प्रश्न है इसका अर्थ है श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम कितना लंबा है या तो फिर कितना दूर है। आफ्टर दैट 18th देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब इसे कितना समय लगेगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल आर देयर, मतलब वहां कितने लोग हैं, वहां पर मतलब हाउ मेनी मतलब हम गिन सकते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, मतलब तुम्हारे कितने पास कितने पैसे हैं। आफ्टर दैट हाउ ओल्ड आर यू, मतलब तुम्हारी उम्र क्या है। फ्रेंड्स आपने यहां देखा होगा, यहां पर आपने WH क्वेश्चन जो सीखे वो बहुत ही आसान है और आप इसके अच्छे से यूज कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, और राइटिंग और रीडिंग में भी आपको अच्छे से अभी समझेगा। सो प्लीज आप इसकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड मोर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज हिट लाइक सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन।